Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज, हमारी चल रही है गूगल एड सीरीज। सो पहली वीडियो में जो है हमने गूगल के एड अकाउंट को क्रिएट करना सीख लिया है, एक्सपर्ट मोड में आना सीख लिया है। अब जो है आगे बढ़ने से पहले उसका जो लेआउट है उसको समझने से पहले हमें गूगल का एड्स, गूगल एड का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है ये जानने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो है आपको बता दूं कि ये गूगल की एड की सीरीज है। यहां पर मैं आप लोगों को बहुत ही इनडेप्थ जो है गूगल एड को सिखाने वाला हूं, पूरा कंप्लीट जो है आपको सिखाने वाला हूं। तो इसीलिए जो है आप लोगों को ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और एक चीज बात करूंगा कि ये कि आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, राइट, सो दैट कि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आ जाए। प्लस हो सके तो आपको मुझे एक फीस पे करनी है, और फीस कोई बड़ी नहीं पे करनी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है मेरी तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड सर्कल तक मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए या फिर अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। ये फीस है आपको मुझे देनी है, राइट। ये डिपेंड करता है आपको कि मुझे देने हैं ये फीस के नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी सीधा समझने के लिए स्ट्रक्चरिंग को मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के समझते हैं कि गूगल का जो एड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जो है पूरा डिजाइन किया गया है। सो दैट कि जब आगे चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे आपको क्या क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहां पर जो है हम आज समझेंगे गूगल का एड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, सो दैट कि जब भी हम आगे काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, राइट। इसीलिए आप लोगों को वीडियो की जो सीरीज है ये गूगल की वो कंप्लीट करनी है। तो गूगल एड को समझने के लिए लेट से कि ये हमारे पास में जो है ये एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, ये आपका गूगल का एड अकाउंट है, ये आपका गूगल का एड अकाउंट है। तो गूगल के एड अकाउंट में सबसे जो सबसे पहले आपका टॉप पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कैंपेन, ये आपका जो है कैंपेन है। अब कैंपेन के लेवल पे क्या होता है कि आप ये आपका एक मेन जो भी ऐड कर रहे हैं, राइट, आपके एक अकाउंट के अंदर ये जो आपका गूगल अकाउंट है, राइट, ये आपका जो है ऐड अकाउंट है, गूगल का ऐड अकाउंट है। इस ऐड अकाउंट के अंदर देयर कैन बी अ मल्टीपल कैंपेन लेवल्स। ये आपका कैंपेन लेवल से फॉर एग्जांपल ये आपका वन है, आपके पास में एक और एड कैंपेन हो सकता है, आपके पास में एक और एड कैंपेन हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एड के लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स चलाएंगे। कैंपेन्स कब क्रिएट करते हैं? जब आपको एक डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट करनी है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का जो है आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके पास एक क्लाइंट आया है और उसने कहा कि मुझे जो है मेरा ट्रैवल एजेंसी का काम है तो मुझे ऐड क्रिएट करवानी है। तो यहां पे आप क्या करोगे, उसकी ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड है तो आप उसका एक अलग से ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। से फॉर एग्जांपल उस कंपनी का नाम है एबीसी। अब एक और कंपनी आई है उसका जो है आप क्या करने वाले हो, उसका भी एक डिफरेंट आपको बुकिंग करनी है, ऐड करनी है, तो उसके लिए आप एक डिफरेंट ऐड कैंपेन क्रिएट करेंगे। से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। फिर एक आपके पास में एक और कंपनी आई तो उसका जो है जो भी आपका से फॉर एग्जांपल ACD। तो इस तरह से जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, राइट, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे। तो यहां पर ये आपकी अलग अलग कैंपेन्स होंगे। अब एक कैंपेन के अंदर देयर कैन बी अ मल्टीपल एड, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग एड अकाउंट। यहां पर आपके पास में मल्टीपल एड अकाउंट हो सकते हैं, राइट। जैसे से फॉर एग्जांपल यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे जो आया है ये आपके लिए कोई ट्रेवल एजेंसी का बुकिंग लेकर आया। अब उनके पास में डिफरेंट डिफरेंट पैकेज हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज हैं, तो आप क्या करते हो, उनका जो पैकेज नंबर वन है उसको एक डिफरेंट ऐड के अंदर डाल दिया, पैकेज नंबर टू है तो उनको जो है यहां पे अलग ऐड के अंदर क्रिएट कर दिया। तो ये एक कैंपेन के अंदर आपके पास में मल्टीपल ऐड कैंपेन्स, सॉरी ऐड सेक्शंस हो सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऐड सेक्शन, राइट। सो ऐड सेक्शन होते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये काम होता है। तो ये मैं क्यों आप लोगों को यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्टिंग कर रहे हैं सो दैट कि आपको चीजें समझ में आए आगे। तो सबसे पहले आपका ऐड अकाउंट होता है, ऐड अकाउंट के बाद में आपके पास में ऐड कैंपेन होता है,
एड कैंपेन जो है वो डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन दी कैटेगरीज, और उसके बाद जो है आपके पास में एक ही कैटेगरी के अंदर देयर कैन बी अ मल्टीपल एड, तो आप यहाँ पे मल्टीपल एड जो क्रिएट करेंगे वो एक कैंपेन के अंदर आती है, और इसके अंदर ही एड कैंपेन के ये एड सेक्शन के अंदर ही फिर आपके पास में मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जैसे कीबोर्ड उससे रिलेटेड जो कीबोर्ड रिसर्च हो रहे हैं, या फिर उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करना है, या फिर उसके अंदर जो हमने टारगेट ऑडियंस रखी है, बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसी एड के अंदर ही हम काम करेंगे। अगर आप ये पैकेज नंबर 1 के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो आप इसके अंदर जाके करेंगे, ना कि यहाँ पे कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, राइट, जो चीज़ें कैंपेन लेवल पे आपको डालनी है वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो एड लेवल पे जो आपको काम करना होता है वो आपको एड लेवल पे करना है, ना कि कैंपेन लेवल पे। अब ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है बिकॉज आगे चल के जब मैं बोलूंगा कि ये आपको एड लेवल पे डालना है तो आपको एड लेवल का मतलब पता होगा। अगर मैं बोलूंगा ये चीज जो है आपके कैंपेन लेवल पे आप डाल सकते हो तो आपको पता होगा कि मतलब, अगर अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू दैट। से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक एक्शन लिया, से फॉर एग्जांपल आपने जो है एक एक्शन लिया, उस एक्शन को आपने कहाँ पे ऐड कर दिया, कैंपेन पे। अगर आपने उस एक्शन को कैंपेन लेवल पे डाल दिया तो मतलब वो एक्शन जो भी आपने लिया है वो आपके जितनी भी उसके अंदर एड सेक्शंस चल रहे हैं उन सभी के लिए, सभी के ऊपर में वो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड, आप नहीं चाहते हो कि आपके इस पूरे एड के अंदर जो है कोई वर्ड आए, से फॉर एग्जांपल एक वर्ड है फ्री, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी फ्री वर्ड जो है वो आपके इन किसी भी एड में आए, तो आप इसको कैंपेन लेवल पे जो है ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं पैकेज नंबर 2 में फ्री वाला वर्ड के साथ में ट्रैफिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैकेज नंबर 1 के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप ये कैंपेन लेवल पे नहीं ऐड कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका इफेक्ट कहां चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैकेज नंबर 1 पे, तो आप इसको पैकेज नंबर 2 पे, है ना, पैकेज नंबर 2 पे डालना चाहते हैं तो पैकेज नंबर 2 पे डालेंगे, पैकेज नंबर 1 पे डालना चाहते हैं पैकेज नंबर 1 पे डालेंगे। तो ये जो है आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। तो आज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जो है इस चीज को समझा है। अभी आप लोगों को जैसे अब मैं आगे पूरा स्ट्रक्चर उनका जो है पूरा ये चीज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, राइट। सो गाइस आई होप कि ये जो बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है ये आपको बहुत ही समझ में, ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगे, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये पूरी जो गूगल एड की सीरीज है ये भी आपको पसंद आएगी और आप डेफिनेटली इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक फीस पे करनी है और फीस बहुत ही सिंपल सी है, आपको कोई फीस नहीं पे करनी। आपको अगर ये मेरा वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आपको जो है इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने सोशल मीडिया पे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और जो है आपको सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं, बेल का आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।